ये देखो दोस्तों, कितनी जबरदस्त कोट यहाँ पर बोली है कि एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। मतलब कि जब आपके पास बहुत करेज हो और आप कितना भी एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो किसी चीज में, मगर फिर भी अगर वो चीज करने के पीछे आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं। मतलब अगर कोई यूपीएससी देना चाह रहा है, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास बहुत करेज है कि हाँ मैं यहाँ पर 24-24 घंटे पढ़ाई करूँगा, 24-24 घंटे पढ़ाई करूँगी, मैं कंटिन्यू पढ़ाई के बारे में सोचती रहूँगी, पढ़ाई के बारे में सोचता रहूँगा, कितने भी एफर्ट्स यहाँ पर लगाने के लिए रेडी हो, कितना भी करेज हो, लेकिन यूपीएससी क्लियर क्यों करना है, ये अगर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जवाब नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। इसीलिए पर्पस का रहना बहुत ज़रूरी है। पर्पस का रहना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ गोल एक खोखला गोल हो सकता है, तो उसके पीछे अगर आपके पास रीजन है, तो फिर आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, कोई भी चीज को आप अचीव कर सकते हो। और पर्पस के साथ साथ आपको अगर डायरेक्शन मिल जाती है, फिर तो सोने पे सुहागा है, कोई भी चीज आप इजीली अटेंड कर सकते हो। इसीलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइफ में कोई भी चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे क्यों, ये सवाल आप खुद को जरूर पूछिए कि यूपीएससी यहां पर देनी है, क्यों देनी है, क्यों क्लियर करना है। ये सवाल का जवाब अगर आपको जेन्युइन प्रॉपर तरीके से मिलता है, मतलब सिर्फ पावर के लिए, पैसों के लिए, ये सारी चीजों का अगर जवाब मिलता है आपको ये सारे टर्म्स में, तो फिर वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। मतलब बीच बीच में क्या होगा, बीच बीच में आपका ये हो जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी कि क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्लियर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर इससे ऊपर आपका कोई स्ट्रांग पर्पस है, स्ट्रांग पर्पस, तो फिर आपको वो कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहेगा, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे रास्ते में। तो इसीलिए स्ट्रांग पर्पस का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आज सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, और उसी के साथ साथ अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो कि आपका पर्पस बेसिकली क्या है और कितना स्ट्रांग पर्पस है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी क्लियर करना है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, कोई भी चीज लाइफ में अचीव करना, तो फिर उससे ही तय हुआ कि आप वो अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी प्लस पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस पर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी मयूर मोगरेस नाम से। उसके बाद जो भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने एमपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है, तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल में इस कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए होंगे, तो आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, तो इस तरीके की एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पर उसका एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इस रेफरल कोड में आपको कोड इंसर्ट करना है MMBEAN, ये कोड अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो, तो उसके बाद ये कोड जो है रेफरल कोड वो यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले आपको 1400 रुपये थे, 1400 रुपीज़ थे एक महीने के, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपये पर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रेफरल कोड जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद इस तरीके की नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहां पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वेरियस बैंक्स के थ्रू। उसी के साथ साथ अगर आपको यूपीआई के थ्रू यहां पर पेमेंट करना है, तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। और फाइनली आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर क्लिक करके पे का अगर ऑप्शन क्लिक करते हो, तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब आपको वहां पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये जो कोर्सेस है ये एमपीएससी एग्जाम के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑल इन वन सीरीज में, जहां हम एक नहीं बल्कि दो ऐसे न्यूज़पेपर कवर करते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। एक मतलब द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा मतलब द हिंदू। और आज हम 25th दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं।
इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस, आपको जो भी चीजें चाहिए वो सब आप ले पाओ, इसकी मैं शुभकामना देता हूं। और यहां पर सबसे पहले मैप बेसिक साइज जो है वो देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको साउथ कोरिया जो है वो नजर आएगा, यहां पर आपको जापान नजर आएगा। अभी देखिए हाल ही में जापान जो है वो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है और इंडिया के साथ जो रिलेशन है जापान के वो भी काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। तो इसीलिए जापान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान जो है वो नज़र आएगा। अब साउथ कोरिया और जापान के बीच में जो ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट का नाम क्या है ये आपको बताना है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि जो दो वाटर बॉडीज जो होती है उसके बीच में से एक छोटी सी स्ट्रिप निकलती है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट है इसका नाम आपको बताना है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट हो गया, तो ये स्ट्रेट का नाम आप बताइए। और उसी के साथ साथ ये है येलो सी, तो ये जो सी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको कई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटिक्स रिलेटेड साल भर के करंट अफेयर्स, उसी के साथ साथ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर जब हम द इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो उसमें कई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर एनपीआर यहाँ पर लाया गया है। तो एनपीआर ये क्या है, एनआरसी से ये किस तरीके से अलग है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये वाला जो आर्टिकल है, फेसबुक अपना जो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर रहा है अलग अलग तरीकों से, मतलब कोई अगर क्वेरीज है तो किस तरीके से रिजॉल्व कर पाएगी, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के जरिए बताई गई है। तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। वही अगर हम आइडिया स्पेस देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है फिर से वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कुछ खास नहीं है इसमें से नया कुछ हमारे लिए देखने के लिए। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये वाला आर्टिकल जो है हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें हम और अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और ये इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, थोड़ा बहुत सरकार को क्रिटिसाइज़ किया गया है लेकिन इतना तो बनता है क्योंकि जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो वो तो चलता है। उसी के साथ साथ द हिंदू में जो इन्फ्लेशन है और उसी के साथ साथ जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी दोनों आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है और ये वाला जो आर्टिकल है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो दोनों को, मतलब तीनों आर्टिकल्स को मर्ज करके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप एडिटोरियल पेज देखते हो तो इसमें सेम वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बारे में बोला गया है। और ये वाला जो आर्टिकल है पीगासस के बारे में बात करता है। अभी आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो ये होता है, मतलब जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निकाल के देना, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर लेना, तो इसके बारे में हमने पहले भी आर्टिकल जो है डिस्कस किया हुआ है, इसलिए फिर से इसमें वक्त ज़ाया करके कोई मतलब है नहीं। अगर हम द हिंदू देखते हैं तो ये दोनों आर्टिकल जैसा मैंने कहा है इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली उस आर्टिकल के साथ देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अच्छी तरीके से ये वाला आर्टिकल देखेंगे। ये वाले आर्टिकल में ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है उसे स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। अभी देखिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर सेंटर है फिर स्टेट है, स्टेट के अंडर में भी हमें नीचे कुछ बॉडीज देखने को मिलती है, जैसे कि पंचायत समिति है ना, पंचायती राज हो गया, उसके बाद म्यूनसिपालिटीज हो गया, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और ये क्यों लाया गया था, ये पहले से था क्या हमारे इसमें, तो नहीं पहले से नहीं था, स्केड्यूल्स में ऐड किया गया, जो 11th और 12th स्केड्यूल है उसके जरिए ऐड किए गए। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, अब सेंटर है तो सेंटर ही अगर सब तरफ देखे तो स्टेट की क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों की पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स आइडियोलॉजीज़ है, डाइवर्स चीज़ें हैं, डाइवर्स कल्चर है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेंटर सारी चीज़ों पर लॉज नहीं ला सकती है। इसीलिए यहाँ पर स्टेट जो है उसके पास भी पावर दी गई, जिससे कि स्टेट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर पाए, क्योंकि हर स्टेट को अपने अंदर क्या कल्चर है ये सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। मगर यहाँ पर भी इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो पंचायती राज हो, म्यूनसिपालिटी हो, इसे भी यहाँ पर लाया गया,
जिससे कि क्या है कि कुछ सेक्शन जो होते हैं वो भी पर्टिकुलरली मतलब ग्राउंड लेवल से जो विलेज लेवल है वहाँ से सारी चीज़ें जो है उसकी शुरुआत देखने को मिले और वहाँ से सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फंक्शनिंग की जा सके। तो यहाँ पर गवर्नेंस जो होता है उसे यहाँ पर और स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमें ग्रास रूट लेवल है वहाँ से हमने सारी चीज़ें जो है वो लेकर आए। मगर इस आर्टिकल के जरिए बोला जा रहा है कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मतलब और अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं और यहाँ पर लोगों का प्रॉपर तरीके से अगर हम जो मतलब उनका समावेश है वो अगर लेते हैं, उनका इंक्लूजन लेते हैं, उनकी अगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कंसिडर करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से ग्रास रूट लेवल से जो डेमोक्रेसी बिल्डअप होती जाएगी तो सेंटर तक वो ही सारी चीज़ें चलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेटिक एरिना में बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये हिस्ट्री टेक्नोलॉजी इसके बारे में बात करता है। अभी देखिए इतिहास खुद को फिर से दोहराता है, जो भी चीज़ें हमें देखने को मिली है इतिहास फिर से खुद को दोहराता है। तो इसमें जो इमरजेंसी की सिचुएशन है उस टाइम की बात की गई, उस टाइम पर जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में बात की गई है। उसी के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार अभी ला रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो लाने की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। अभी देखिए पहला जो आर्टिकल हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है NPR NRC इसके बारे में। अब यूनियन कैबिनेट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का अप्रूवल दे दिया है और 3900 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। अभी देखिए अलग अलग चीज़ों के लिए, सेंसस के लिए अलग जो पैसा है वो दिया गया है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए यहाँ पर अलग जो पैसा है वो दिया गया है। तो हमारे GS पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे ही अप्रूव हुआ काफ़ी लोगों को ये लगा कि ये NRC जो है उसका अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो अमित शाह है उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि NRC एंड NPR ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से NPR क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो NPR क्या है, तो ये लिस्ट ऑफ यूजुअल रेसिडेंट है कंट्री में। यूजुअल रेसिडेंट्स जो कंट्री में हमारे देश में है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, रजिस्टर है ना, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो अब यूजुअल रेसिडेंट मतलब कौन, तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर किसी लोकल एरिया में 6 महीने से ज़्यादा रिसाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर विराट कोहली है, विराट कोहली अगर यहाँ पर ओडिशा में 6 महीने से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहे हैं तो वो यूजुअल रेसिडेंट जो है वो कहलाए जाएंगे। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर अनुष्का शर्मा है, उन्होंने विराट कोहली से शादी कर ली। अब अनुष्का शर्मा को यहाँ पर 6 महीने हुए नहीं है, उन्हें यहाँ पर सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। मगर अब ये विराट कोहली के साथ आने वाले जो 6 महीने हैं वो इंटेंड करने वाली कि वो वहीं पर रहेगी। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी 6 महीने रह चुका है और ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने रहने वाला है, मतलब इंटेंड टू स्टे पर्टिकुलर एरिया में फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो उसे हम कहेंगे यूजुअल रेसिडेंट। तो ये जो यूजुअल रेसिडेंट्स होता है उसकी जो लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं NPR, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस अगर हम देखते हैं NPR में और NRC में तो वो क्या है, तो यहाँ पर NPR जो है इसमें आपको जो रेसिडेंट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसमें आपको सिटीजन जो है इंडियन सिटीजन वो भी देखने को मिलेंगे और फॉरेनर भी। ऐसा भी हो सकता है ना जिमपिंग जो है वो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहे हैं और 6 महीने तक वो रिसाइड करने वाले हैं या फिर 6 महीने तक वो रिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर ये है तो इनका भी नाम जो है वो NPR में लिया जाएगा कि हाँ यूजुअल रेसिडेंट है इंडिया में, ठीक है। लेकिन जो NRC है, NRC इसमें फॉरेनर नहीं आता है। ये बेसिकली क्या है, तो इंडियन जो सिटीजन है उन्हें डिस्टिंग्विश करती है जो फॉरेनर्स है उनके साथ, मतलब जो इंडियन रेसिडेंट्स इंडियन सिटीजन्स नहीं है उनके साथ ये डिस्टिंग्विश करती है इंडियन सिटीजन्स को। तो ये हो गया NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, है ना। तो यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, यहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, मतलब ये सिटीजन्स के लिए है सिर्फ। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर NPR जो है ये पूरे देश पर लागू किया जाएगा, लेकिन ये आसाम जो है उस पर लागू नहीं किया जाने वाला है क्योंकि आसाम अकॉर्ड कहता है तो वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें चलती है। अब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 इसके तहत, उसी के साथ साथ सिटीजनशिप रजिस्टर ऑफ सिटीजन रूल 2003, इन दोनों के तहत जो NPR है वो यहाँ पर देखा जाने वाला है। तो NPR कौन से दो इसके तहत देखा जाएगा, तो ये दो चीज़ें हैं जिसके तहत वो देखा जाने वाला है। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ देखिए ये जो है पर्टिकुलरली सेंसस इसके साथ देखा जाने वाला है सेंसस, क्योंकि देखिए हर 10 साल में हम सेंसस देखते हैं। 2011 में हमने सेंसस देखा था हमारा,
अब यहाँ पर 2021 में हम फिर से यहाँ पर सेंसस जो है वो लेने वाले हैं, तो उसकी ही तैयारी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो सेंसस जो है ये सेंसस एक्ट के तहत देखा जाता है, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है सेंसस किस तरीके से देखा जाता है, और NPR जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है किसी और इससे देखा जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003 इसके तहत देखा जाता है। तो अब आपको डिफरेंस जो है ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा NPR और NRC में क्या है। अब देखिए NPR जो है ये कंडक्ट किया जाने वाला है जो हाउसिंग लिस्ट फेज है उसके साथ, फर्स्ट फेज जो है वो बाय ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस 2021 के लिए कंडक्ट किया जाएगा, और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ऑलरेडी शुरू हो चुका है 1200 विलेजेस और 40 टाउन्स में, और फाइनल अगर देखा जाए तो अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक फाइनल फुल एंड फाइनल जो है पूरे देश में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है उसकी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी निकल रही है। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि जो NPR है ये पहली बार किया गया हो, NPR पहले भी हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिविजुअल्स के लिए रिक्वायर्ड डाटा था NPR के लिए 2010 में भी हमें देखने को मिला था, है ना, क्योंकि हम सेंसस 2011 में भी देखा था हमने, तो उसके लिए भी किया गया था, उसके लिए इतने 15 पॉइंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार 21 पॉइंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ पर्सन है, रिलेशन ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटियल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ऑक्यूपेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है प्लेस ऑफ बर्थ हो जाए, पेरेंट का एड्रेस हो जाए, यूजुअल रेसिडेंट का, है ना, परमानेंट एड्रेस हो जाए। तो अब यहाँ पर नई चीज़ें जो है ये नई चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है। नई चीज़ें कौन सी ऐड की गई है, वो है आधार नंबर, ये वॉलंटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला गया है, पासपोर्ट नंबर डाला गया है, वोटर आईडी कार्ड नंबर डाला गया है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन है उसकी भी डिटेल्स डाली गई है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये भी यहाँ पर डाला गया है। अब देखिए यहाँ पर NPR जो है ये जो पर्सनल डाटा है रेसिडेंट्स का वो यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, तो इसको प्राइवेसी से लेकर यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज की निकलने को देख रही है। मतलब यहाँ पर इतनी सारी आप पर्सनल चीज़ें ले रहे हो तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों यहाँ पर आप इतनी पर्सनल चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हो, मोबाइल नंबर हो जाए, जो आप पासपोर्ट नंबर हो जाए, वोटर आईडी डिटेल्स हो जाए, आधार नंबर हो जाए, तो ये सब प्राइवेसी जो है उसका यहाँ पर खंडन हो सकता है, ऐसी भी कॉन्ट्रोवर्सी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी देखिए जो आधार है उसका अपग्रेडेशन, उसका जो अपडेशन है इसमें वो ऑलरेडी 2015 के आसपास देखने को मिल गया था, है ना। यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ें लेंगे, जैसे कि बायोमेट्रिक डिटेल जो है वो भी आपके यहाँ पर लिए जाएंगे, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी लिए जाएगी, मगर आधार के टाइम पर आपने ऑलरेडी चीज़ें दी हुई है, इसीलिए अगर आप आधार नंबर प्रोवाइड कर देते हो तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, लिस्ट देखने को मिलती है कौन कौन सी चीज़ें इसमें ली जाने वाली है। तो प्राइवेसी से रिलेटेड इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी निकल कर आ रही है, जो अपोजिशन है वो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो अब दूसरा यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी आती है कि क्या NRC NPR के बाद देखने को मिलेगी, मतलब जो हम यहाँ पर ये रजिस्टर एक बार बन जाएगा तो क्या फिर NRC इसके बाद निकल कर आएगी, क्योंकि NRC जो है काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। तो NRC बेसिकली क्या है, तो सिर्फ हमें यहाँ पर जो रेसिडेंट्स, हमने इसके ज़रिए रेसिडेंट्स देखे हैं, बस हमें छाटना क्या है, तो NRC जो है उसमें हमें जो यहाँ के रेसिडेंट में जो हमें इंडियन सिटीजन देखने को मिल रहे हैं उनको सिर्फ यहाँ पर छाटना है। तो क्या NRC उसके बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि पासपोर्ट डिटेल्स तो ऑलरेडी ली जा रही है, तो पासपोर्ट डिटेल्स लेंगे तो उसमें कौन इंडियन सिटीजन है वो तो पता चलेगा ही, है ना। तो क्या NRC इसके बाद आएगी, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है। अभी अगर अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि कोई प्रपोजल नहीं है एट प्रेजेंट कि वो यहाँ पर जो NRC है वो पूरे देश पर लागू करे। तो जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि NRC पूरे देश पर लागू नहीं हो रही है, और उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था क्योंकि इन्होंने कहा था कि पूरे देश पर NRC हम लागू करेंगे, लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मोदी जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट कोई प्लान नहीं है NRC को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। अब देखिए अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो होम मिनिस्टर सोर्सेस की अगर माने तो आपको अगर NPR के लिए रजिस्टर करना है तो ये काफ़ी मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा, और आपको जो एडिशनल डाटा है जैसे कि पैन हो गया, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये वॉलंटरी है, जो हमने एडिशनल चीज़ें देखी है वॉलंटरी है, आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो सिटीज़न जो है उनके ऊपर ट्रस्ट यहाँ पर ज़रूरी होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार ने क्यों ऐसा इतनी सारी चीज़ें मांगी है, जो उन पर बात आ रही है कि आपने इतनी सारी चीज़ें क्यों मांगी है, तो देखिए एक होलिस्टिक तरीके से हमें पूरा डिटेल में हर नागरिक की, हर रेसिडेंट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है।
तो इसीलिए एक हमारे पास डाटाबेस बन जाता है जिससे कि हर रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये जो डिटेल्स है ये अपडेट जो है वो होते रहेंगे। क्योंकि देखिए रजिस्टर भले ही इसका नाम हो लेकिन रजिस्टर में लिख नहीं पाओगे आप, क्योंकि इतनी सारी जनता है कि कहाँ लिख पाओगे। इसीलिए यहाँ पर ऑब्वियस है कि ऑनलाइन जो है ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को इतना डाटा क्यों चाहिए? जैसा अभी मैंने कहा है कि मतलब कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस अगर हमारे पास मिल जाता है डेमोग्राफिक डिटेल्स के, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कलेक्शन हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर आईडी का, पैन का, ये क्या करेगा? ये मतलब जो लाइफ है जो यहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं उनकी लाइफ यहाँ पर इजी कर देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रेड टेप होते हैं उसे यहाँ पर कट डाउन कर देगा। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका एक डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, दूसरे डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तीसरे डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो ये होता है रेड टेप। मतलब आपके फॉल्ट्स निकल कर आ रहे हैं हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग। तो इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से होगा कि एक ही इसमें आपका पूरा का पूरा समावेश हो जाएगा, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपका रेड टेप जो है कट डाउन हो जाएगा बेसिकली। तो ये एक इम्पॉर्ट हो सकता है अगर आप इतने डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर देते हो, प्रोवाइड करते हो। तो इस तरीके का तर्ज जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा वायलेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है एनआरसी को लेकर। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से इस तरीके का डिसीजन जो है, मतलब यहाँ पर इस तरीके का बयान जो है कि एनआरसी हम एट प्रेजेंट लागू नहीं कर रहे हैं, ये आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है इसके वजह से सिर्फ हमारी जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है वही ख़राब नहीं हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी खासा फर्क पड़ रहा है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल इमेज है भारत की वो यहाँ पर अभी सीधे तरीके से सही बनाई जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है वो एक, ये भी हम बोल सकते हैं जो प्रोटेस्ट है उसका एक फल जो है वो भी एक देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है वो बाध्य हो गई इस तरीके का स्टेटमेंट देने के लिए। तो ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आपको पूरा पिक्चर जो है एनआरसी और एनपीआर के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अब यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है एन इकोनॉमिक प्राइस टू पे। उसी के साथ साथ यहां पर दोनों जो आर्टिकल है ये दोनों द हिंदू के हैं, तो सभी को साथ में मिलकर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए हमारे देश में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसे भी ख़राब किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स है उस पर जो इमेज है एक इंडिया की वो भी एक अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। जैसे कि हमने कल के आर्टिकल में एक देखा था कि जो जापान है उन्होंने अपनी मीट यहाँ पर कैंसिल कर दी है ना। काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो मीट यहाँ पर होने वाली थी इंडिया के साथ वो उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब मीट कैंसिल करने की वजह से क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे करार होने वाले होते हैं, जो MOU साइन होने वाले होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। और एट प्रेजेंट देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है, जहां पर हमें 4.5%, ध्यान से सुनिए, 4.5% हमें GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर का देखने को मिला है ना। और अगर हमें ओवरऑल साल भर की GDP ग्रोथ रेट अगर 5% तक की भी अचीव करना है, तो अब बचे हुए जो दो क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब हाँ वो वाले क्वार्टर है, मतलब 3 महीने वाले, वैसा वाला क्वार्टर, वो वाला अपना वाला क्वार्टर नहीं है। तो यहाँ पर क्वार्टर जो बचे हुए 2 है वो हमें कम से कम 5.3% की ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर हम साल की ग्रोथ रेट 5% अचीव कर सकते हैं। और 5.3 अचीव करना नेक्स्ट के 2 क्वार्टर में, ये ऑब्वियस है कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साल भर की GDP ग्रोथ रेट है 5% से भी कम आ जाएगी। मतलब आप सोचिए 5% से भी कम साल भर की GDP ग्रोथ रेट, मतलब कितना बड़ा स्लोडाउन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो जब ऐसा स्लोडाउन आता है, जब इतना बड़ा स्लोडाउन देखने को मिलता है, उस टाइम पर पूरा फोकस इकोनॉमी पर रहना बहुत ज़रूरी होता है। मगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो प्रोटेस्ट जो है वो अलग चीज़ के लिए चल रहे हैं, अलग अलग सिनारियों हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे सिनारियों में जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत है ना, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिनारियों में जब बाहर का कोई निवेश करता है तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसका आना ज़रूरी है। मगर प्रोटेस्ट ये सब हाल की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर नहीं आ रही है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे और ज़्यादा वर्स बना रही है। और सरकार, हमने जैसा देखा था कि सरकार को यहाँ पर समझना चाहिए कि एट प्रेजेंट ज़रूरी क्या है। ज़रूरी ये है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो होने दो, चलते रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, या फिर ज़रूरी है कि यहाँ पर इसका फटाफट निवारण निकाला जाए, प्रोटेस्ट को यहाँ पर शांत किए जाए और इकोनॉमी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, रैदर देन ऐसी चीज़ें जो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट देखा जाए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, लेटेस्ट अगर ऑफिशियल ग्रोथ रेट देखा जाए, फिगर जो है 4.5% रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसी के साथ साथ IMF जो है उसने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। उसने भी कहा है कि अब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है इंडिया की वो काफ़ी कम हो गई है ना, मतलब 30 टॉप 40 में भी नज़र नहीं आ रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रैंक है वो इतना ज़्यादा नीचे जा रहा है, और GDP रेशियो जो है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है, और जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर श्रिंक होते जा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर अगर हम देखते हैं ओवरऑल ग्रोथ स्लोडाउन का, वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर कम हो रहा है मतलब ग्रोथ स्लो हो रही है। सेम उसी तरह जो ऑयल है, ऑयल का अगर इम्पोर्ट इंक्रीज होता है, ऑयल का अगर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है मतलब है कि यहाँ पर ग्रोथ फास्ट हो रही है, तभी तो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। और अगर ऑयल का इम्पोर्ट यहाँ पर कम हो गया है, ऑयल का इम्पोर्ट डिक्लाइन हो गया है, इसका मतलब है कि ग्रोथ भी यहाँ पर डिक्लाइन हो गई है, जैसे कि हमें चाइना के परस्पेक्टिव में देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऑयल जो है, ऑयल वहाँ पर कम लाया जा रहा है, ऑयल का इम्पोर्ट कम हो गया है, तो मतलब उनकी जो स्लो डाउन है वो भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर देखा जाए, ग्रोथ जो है वो लोवेस्ट है 3 decades में, सबसे लोवेस्ट है, मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्लोडाउन भारत में आया है। बिटवीन 2011-12 और 17-18 देखा जाए, परसेंटेज ऑफ द पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे एक्चुअली इंक्रीज हो गए हैं, मतलब देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं वो उनकी तादाद यहाँ पर बढ़नी चाहिए, मगर मतलब उनकी तादाद कम होनी चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, मतलब वो अमीर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, 31% से 35% यहाँ पर हो गए हैं। जो रूरल एरिया में इंडियंस रह रहे हैं, जो कंजम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर स्लोडाउन देखने को मिला है, स्लोडाउन ही नहीं यहाँ पर गिर ही गया है, मतलब कंजम्पशन होता है ना रूरल एरिया में, जो लोग रह रहे हैं रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं तो वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब क्या होता है, कितनी खरीदी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की हो सकती है, वो सीड्स की, एग्रीकल्चरल के लिए, ट्रैक्टर की हो सकता है ना, तो ये कितना कंज्यूम कर रहे हैं उस पर निर्भर होता है, तो वो भी स्लोडाउन नहीं, वो तो पूरा गिर ही गया है। पर कैपिटा बेसिस पे अगर देखा जाए तो लोग जो है वो कंज्यूम 8.8% लेस कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि कंजम्पशन, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कंजम्पशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कंजम्पशन की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन किस तरीके से आता है, कंज्यूम अगर डिक्लाइन होता है तो यहाँ पर कंजम्पशन देखिए आप 8.8% से डिक्लाइन हो गया है, इतनी बुरी अवस्था हमें यहाँ पर अभी भारत की देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा जो रिलीज़ किया गया है उसके तहत देखा जाए तो पीरियडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है उसके तहत यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है 45 years काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ बढ़ी नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट डिसप्रोपोर्शनेटली हर्ट कर रही है गरीब इंसान को, मतलब यहाँ पर जो गैप है अमीर और गरीब का वो और ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया में जो कंजम्पशन वो बहुत ही कम चल रहा है, और उसी के साथ साथ हमारे देश में जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन नज़र आ रही है। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है, मतलब महंगाई जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट हो गया है, मतलब वो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रही है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेगी, तो लोगों के हाथ में बहुत पैसा आएगा, तो इसके पास पैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसके पास है 10 करोड़ रुपीज़, इसके पास है 10 करोड़ रुपीज़, इसके पास है 10 करोड़। मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से इंडिया की लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है ना। ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी ना जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे, मतलब इनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज़ हो गई। अब परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करने की कोशिश करेंगे, तो इसको भी ये गाड़ी चाहिए, इसको भी ये गाड़ी चाहिए, इसको भी ये गाड़ी चाहिए। अब ऑब्वियस है किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है। देखिए डिमांड और सप्लाई हमने कई बार देखा हुआ है,
किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू में बढ़ोतरी होती है, मतलब डिमांड बढ़ गई, वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई, बराबर है। दूसरी चीज होती है अगर डिमांड में कमतरता आ जाए तो यहाँ पर वैल्यू जो है उसमें भी कमतरता आ जाती है, किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अब तुषार कपूर जो है, अब फॉर एग्जांपल अगर उनको किसी प्रोड्यूसर को उनको कास्ट नहीं करना है तो उनकी जो प्राइस है वो भी कम रहेगी। सलमान खान को सबको कास्ट करना है तो सलमान खान की प्राइस वैल्यू भी 100 करोड़ रुपीज़ एक फिल्म के चार्ज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सबके पास पैसा आ गया, सबको ये चाहिए, मतलब कार की डिमांड बढ़ गई, कार की डिमांड बढ़ गई तो कार पहले फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की थी, अब उन्होंने कर दी है 15 करोड़ रुपए की, 15 करोड़ रुपए कर दिए। मतलब क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, बराबर है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है इसीलिए जो प्राइस है वो बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है जब ग्रोथ बढ़ती है, जब ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बहुत नीचे जा रही है तो मतलब लोगों के हाथ में पैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसके हाथ में है 100 रुपीज़, इसके हाथ में 100 रुपये, इसके हाथ में 100 रुपये। अब कोई भी ये गाड़ी खरीदने के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अब ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी की कीमत जो है पहले उसने 1 करोड़ रुपए रखी थी, लेकिन देखा उसने कि डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, तो इसकी कीमत उसने कर दी 10 लाख रुपए। इसकी कीमत उसने कर दी 10 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इन्फ्लेशन नीचे आ गया है। मतलब कि जब भी ग्रोथ नीचे जाती है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है क्या? नहीं, डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। सही है, इतना आपको क्लियर हो गया है। लेकिन स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन मतलब ये कार की जो प्राइजेस है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब कार की प्राइजेस कब बढ़ती है? जब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो देखने को मिले, है ना, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेस तो बढ़ रही है लेकिन ये ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी प्राइजेस जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया है, मतलब ग्रोथ स्टैगनेंट है, देखिए स्टैग ग्रोथ स्टैगनेंट है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ स्टैगनेंट है, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? अभी देखिए हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है तो ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बढ़ नहीं रही है, ग्रोथ यहाँ पर नीचे आ गई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। मगर यहाँ पर हुआ क्या है, जो फूड इंडस्ट्री है उसमें जो सप्लाई है, सप्लाई है वो यहाँ पर नीचे आ गया है। अभी देखिए किसी चीज़ का अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, किसी चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली कि उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। सप्लाई अगर किसी चीज़ का बढ़ गया हो तो, मतलब अगर यहाँ पर सलमान खान के पास टाइम ही टाइम है, उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं, किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सप्लाई कम हो गया तो लोगों को क्या लगता है, अरे बाप रे चीज़ें ये कम है, फटाफट ले लो, चीज़ें कम है फटाक से ले लो, तो मतलब क्या है, मतलब है कि उसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हमने अमेजोन वगैरह पे देखा होगा ना कि आपको यहाँ पर एक दिन का मेगा यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब क्या है, सप्लाई यहाँ पर लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, उसकी प्राइजेज जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सप्लाई मतलब डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सप्लाई जो है, सप्लाई यहाँ पर अगर कम हो जाता है मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि हमें यहाँ पर ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रही, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन फूड सेक्टर में देखा जाए जैसे ओनियन हो गया, ओनियन में क्या हो रहा है कि उसके सप्लाई कट हो गई है क्योंकि जो बारिश है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, जो भी चीज़ है वो प्रॉपर तरीके से न हो पाने की वजह से यहाँ पर उसका सप्लाई कट हो गया। सप्लाई कट होने की वजह से क्या हुआ कि उसकी डिमांड यहाँ पर सडनली इंक्रीज हो गई और प्राइजेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गए। तो सिर्फ यहाँ पर ओनियन का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन पूरा फूड सेक्टर देखा जाए तो उसमें हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, मतलब महंगाई जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि सप्लाई कट हो गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर ग्रोथ भी देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो स्टैगफ्लेशन है वैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट वो भी उन्होंने स्टैगनेंट रखा है, मतलब सेम रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन उनको देखने को मिल रही थी। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है,
ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा जा रहा है, 10-10 करोड़ रुपए सबके हाथ में, तो इसकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएगी। अब अगर इसको कंट्रोल में लाना है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ना भी सही नहीं है ना, मतलब आप अगर ब्रेड का पैकेट लेने जा रहे हो मिल रहा है आपको 1000 रुपए का, तो मतलब क्या है, इसलिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना भी कोई सही बात नहीं है। तो यहां पर जो कंट्रोल अगर करना है तो यहां पर आरबीआई क्या करता है, सिर्फ हम आरबीआई का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो रेपो रेट है रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट क्या है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया इसलिए वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। रेपो रेट यहां पर बढ़ा देगा। रेपो रेट एक बार बढ़ जाता है इसका मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो यहां पर बढ़ा दिए जाएंगे, मतलब कार लोन यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। पहले आपको 10% में मिल रहा था, अब वो 15% कार लोन हो जाएगा। तो ये क्या बोलेगा, यार अभी रहने दो, अभी 15% कार लोन देना पड़ेगा, मैं ये नहीं लेता हूं। मतलब क्या है, अपने आप इसकी डिमांड जो है वो नीचे आ जाएगी और इसकी प्राइजेस जो यहां पर 10-15 करोड़ चली गई थी वो भी अब यहां पर फिर से 1 करोड़ पे आ जाएगी। इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। दूसरा सिनारियो, अगर यहाँ पर ग्रोथ पूरी नीचे जा रही है, इनके हाथ में पैसा ही नहीं है और इसकी डिमांड यहाँ पर नीचे जा रही है, 10 लाख पे इसकी प्राइस आ गई है, डिफ्लेशन पे जा रहा है, तो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपने रेपो रेट नीचे ला लेगी। आरबीआई रेपो रेट नीचे लेकर आ जाएगी, मतलब बैंक अपने ब्याज दर यहाँ पर नीचे लेकर आ जाएंगे, मतलब पहले ब्याज दर 10% थे, अब ब्याज दर 5%, 2% हो जाएंगे। इससे क्या होगा, लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि यार चलो यार लोन ले लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, सस्ते में ब्याज दर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी लोन लेकर, और फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन फिर से ऊपर आ जाएगा, अपने आप ही गाड़ी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। इस तरीके से नॉर्मली किया जा सकता है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जरूरी ये भी है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, अगर हमें ग्रोथ यहाँ पर बढ़ाना है तो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, लोग खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर हो सकती है क्योंकि कंजम्पशन की वजह से नीचे जा रही है ना। लेकिन अगर यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी कराना है तो रेपो रेट कम करने पड़ेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है दूसरी तरफ, अगर ये कम करते हैं तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है स्टैगफ्लेशन में हमें देखने को मिलती है, स्टैगफ्लेशन में। तो इसलिए यहाँ पर जब भी स्टैगफ्लेशन होता है तो ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी होता है जो सप्लाई है वो बढ़ा दिया जाए। सप्लाई आप बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सप्लाई आप बढ़ा दोगे तो जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। अब आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था लेकिन होलसम, अब मैंने आपको पूरा इस वीडियो में जो स्टैगफ्लेशन है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ जो है पैसों की जरूरत नहीं है लेकिन आइडियाज़ की जरूरत है, इंटेलिजेंट पॉलिसी डिजाइन की जरूरत है, क्योंकि दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है, साइक्लिक होता है। साइक्लिक मतलब क्या है, साइक्लिक स्लोडाउन मतलब क्या है कि एक साल लोगों ने बहुत गाड़ियाँ खरीद ली तो अब इसे दूसरे साल में कम ही खरीदेंगे क्योंकि फिर से वो हर साल तो गाड़ियाँ खरीदेंगे नहीं, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक स्लोडाउन, मतलब आना ही होता है और वो जल्दी से उभर भी जाता है, 2-3 साल के बाद फिर से उभर गया। मगर जो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन होता है, मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके वजह से स्लोडाउन आया है, वो यहाँ पर भरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब तक सरकार यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना लेकर आए, मतलब अपनी पॉलिसी में कुछ ऐसे रिफॉर्म ना लेकर आए जिससे कि वो अच्छा हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आइडियाज़, जो इंटेलिजेंट पॉलिसी डिज़ाइन है, वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। और इंडिया में यहाँ पर जो लोग रिसाइड कर रहे हैं उनके पास कोई कम टैलेंट नहीं है, बहुत है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार उनको सुन नहीं रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखिए, एक सेक्टर जिसे रिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमीडिएट रिफॉर्म जिसमें चाहिए, वो है फाइनेंशियल सिस्टम। अब अगर आप देखोगे बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई अपने रेपो रेट कम कर रहा है लेकिन बैंक अपने ब्याज दर कम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है ज़्यादा, एनपीए बहुत ज़्यादा है, एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो इनको पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा, इनको पहले हेल्दी बनाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिल सकता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और यहाँ पर ब्याज दर कम होते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो फाइनेंशियल सिस्टम है वही एनबीएफसी भी हो जाए, सारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सभी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अभी देखिए, जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन देखते हैं तो 4 पैरामीटर्स पे गिना जाता है किसी भी कंट्री का, मतलब यहाँ पर कंजम्पशन कितना हो रहा है, मतलब लोग कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट किस तरीके का हो रहा है, और हम सभी सिनारियों में कम ही नज़र आ रहे हैं। अब क्यों ये ज़रूरी है, अब देखिए, जो मैंने आपको कंजम्पशन का बताया था क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टूथपेस्ट हम ले लेते हैं, एक टूथपेस्ट है वो अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्या है, जो वो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है उसको होगा नुकसान, उसको होगा लॉस, लॉस हो रहा है तो क्या होगा, लॉस होने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें वो निकाल देगी, एम्प्लॉयज़ को बोलेगी घर जाओ, एम्प्लॉयज़ घर जाएगा उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, उसके पास पैसा कम होगा, उसके पास पैसा कम होगा तो और कंजम्पशन कम करेगा,
है ना, और कंजम्पशन कम करेगा और कंपनी को नुकसान होगा और वो लोगों को निकालेंगे और उसके पास पैसा नहीं बचेगा और वो कंजम्पशन नहीं करेगा। तो यही चीज़ अभी देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिससे कि लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि कंपनीज को नुकसान हो रहा है, कंपनीज को नुकसान हो रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट और निकाल रही है और जो एम्प्लॉयड है वो भी खर्च नहीं कर रहे हैं ये डर से कि मुझे ना निकाल दे। तो ये एक जो विशियस साइकिल है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जिससे हम स्लो डाउन जो है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए कंजम्पशन को बढ़ाना ज़रूरी है। कंजम्पशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? ब्याज दर कम करके। लेकिन जो बैंक है उनकी एनपी इतना बढ़ रहा है कि वो भी ब्याज दर कम नहीं कर रहे। ये देखिए किस तरीके से सब गुंता हुआ है एक मिक में। इन्वेस्टमेंट अगर हम लाते हैं तो उससे भी हम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है ये सोचकर कि यहाँ पर सरकार जो है वो प्रॉपर तरीके से कुछ कर नहीं रही है, तो यहाँ पर हमें फायदा होगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगा ना जब फायदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी नहीं हो पा रहा है। अब बसता क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, गवर्नमेंट खर्च करे, यह एक ऑप्शन बसता है, बराबर है। और एक्सपोर्ट भी उसी वजह से नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि लोग खर्च नहीं कर रहे तो ऑब्वियस एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है उतना। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें कैसी है अगर स्लोडाउन से बाहर निकलना है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर आप कम करते जाओ, कम करते जाओ, जिससे कि बैंक अपने ब्याज दर कम करेंगे और फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, मतलब ब्याज दर अगर सस्ते दिखेंगे तो। मगर ट्रांसमिशन क्यों? एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये ट्रांसमिशन नज़र ही नहीं आ रहा है ना। और अभी दूसरा स्टैगफ्लेशन का भी डर है, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी काम कम नहीं कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, जो हमने देखा है यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये यहाँ पर बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो फिस्कल डेफिसिट का डर सताता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है? सरकार के पास जितनी आमदनी आ रही है और जितना खर्चा कर रही है सरकार, उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब अगर ये नेगेटिव में है कि सरकार के पास कम पैसा आ रहा हो, सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, फिस्कल डेफिसिट होता है। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि सरकार ज़्यादा ही खर्च कर रही है तो उधार लेकर खर्च करती है, तो ये जो उधार है वो ये फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार अगर ज़्यादा खर्च करती है तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा। ज़्यादा उधार लेगी तो उसने टारगेट सेट किया था 3.3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रहना चाहिए, लेकिन उधार ज़्यादा लेगी तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये डर जो है वो सताता है सरकार को। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी जगह वैकेंसीज है हमारे देश में, अभी एमपीएससी जो है, एमपीएससी उसमें इतनी वैकेंसीज है लेकिन सिर्फ 200 सीटें निकली है, 200 जगहें निकली है। मतलब आप वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी की जगह ही नहीं निकली है। आप सोचिए कि इतनी वैकेंसीज होने के बाद भी ये जगह ही नहीं निकालते हैं, फिर कैसे यहाँ पर लोग जो है वो संतुष्ट रहेंगे, है ना। फिर इस ये चीज़ पे खास प्रोटेस्ट होने चाहिए कि क्यों यहाँ पर हमें वैकेंसीज नहीं भरी जा रही है, क्यों यहाँ पर सरकार जो है नहीं दी जाए, क्योंकि सरकार को ये डर है कि सैलरीज के लिए हमारा बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है ना कि यहाँ पर वैकेंसीज आप फिलअप कीजिए ना, इतनी ऑलरेडी है और जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं, जॉब है लेकिन भरा नहीं जा रहा है उस जॉब को, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसके लिए तो वाइड प्रोटेस्ट होनी चाहिए, मतलब जितनी वैकेंसीज है पूरी फिलअप करो आने वाले 5 साल में, यही सिर्फ टारगेट रहना चाहिए सरकार के पास, पूरे फिलअप करो और फिर इकोनॉमिक जो ये है वो सब कुछ रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो फिर यहाँ पर मज़ा आएगा। अभी यहाँ पर क्या है, देखिए जो भी हमें रूरल इसमें जो देखने को मिल रहा है, तो वो अगर यहाँ पर अच्छा मानसून आ जाता है तो फिर यहाँ पर जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा ओनियन वगैरह का, फिर इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। जो स्टैगफ्लेशन जो हम बोल रहे हैं तो एक्चुअल में स्टैगफ्लेशन नहीं है, वो सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, मच नीडेड है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पर जॉब्स निकले, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, जॉब क्रिएट हो। ऐसा नहीं वेलफेयर स्कीम्स में आप खर्च कर रहे हो, लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हो, सब्सिडीज़ दे रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करोगे जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर बढ़ेगी और वो कंजम्पशन करेंगे। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए, और इसके लिए जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी हेल्थ यहाँ पर सुधारनी चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पर आकर यहाँ से लोन ले और यहाँ पर निवेश करें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक स्लोडाउन से बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आता है, न्यू रूल ओल्ड प्रॉब्लम। अभी नवंबर 20 को कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है, जहाँ पर विमेन को नाइट शिफ्ट के लिए काम करने के लिए अलाउ कर रही है सारी फैक्ट्रीज में, जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के। अब बाकी जो स्टेट्स हैं जिन्होंने किया हुआ है, वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्होंने भी किया हुआ है।
अभी देखिए यहाँ पर नाइट वर्क कन्वेंशन है 1990 का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मतलब वो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर कर सकते हो, मतलब बोथ दी सेक्स जो है बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नाइट वर्क के लिए यहाँ पर रिमूव कर देना चाहिए, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर फंडामेंटल अधिकार है उनका कि यहाँ पर कहीं भी प्रोफेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों को लागू होता है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है। इसीलिए यहाँ पर अलाउ करना जो नाइट शिफ्ट है उसके लिए फीमेल को अलाउ करना, ये एक डिस्क्रिमिनेशन को हटाने जैसा ही है, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेट जो है इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस यहाँ पर ला सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है अभी तक सिर्फ 25% रहा है, लेकिन इसे अगर बढ़ा दिया जाता है तो ऑब्वियसली कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो वुमेन है वो खासकर जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए स्पेशली अगर हम गारमेंट इंडस्ट्री देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसलिए ये काफ़ी वेलकमिंग डिसीजन है। मगर उसी के साथ साथ हमें काफ़ी कंसर्न भी देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कर्नाटका में 90% मतलब ऑफ द 5 लाख गारमेंट वर्कर जो है ये यहाँ पर वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है। और ये जो अमेंडमेंट है ये सजेस्ट करता है नाइट शिफ्ट जो है ये सिर्फ एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पर जो सेफगार्ड है उसका नहीं देख रहा है, सिर्फ यहाँ पर अलाउ कर रहा है उनको काम करने के लिए। लेकिन काम तो किया जाए लेकिन सेफगार्ड जो है उसे भी तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ जो है, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ से अगर किसी महिला को सेफ उसके पब्लिक रेसिडेंस पर जाना है तो वो कैसे जाएगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए। वो अगर नहीं देखा जाता है तो ये जो चीज़ें हैं और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। वर्कर जो है ये यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस है उसके बारे में बात नहीं की गई है। अभी देखिए जब आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि वेजेस में चेंजेस होने चाहिए, तो वेजेस जो है वो भी ज़्यादा होने चाहिए, ये भी यहाँ पर रिवाइज नहीं किया जा रहा है। अमेंडमेंट जो है वो चाइल्ड केयर को भी यहाँ पर एड्रेस करने के लिए फेल हो रहा है, है ना। मतलब इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वुमेन डोमिनेटेड सेक्टर में स्पेशली यहाँ पर पेड किस तरीके से किए जा रहे हैं, पेड केयर किस तरीके से दी जा रही है, तो ये भी यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। बाकी जो प्रोमिसेस है जैसे कि 12 कॉन्जिक्यूटिव आवर जो है वो रेस्ट मिलनी चाहिए नाइट शिफ्ट और जो ये होती है लास्ट शिफ्ट उसके बीच में, सेपरेट कैंटीन्स रहनी चाहिए, रेस्ट रूम ज़्यादा रहने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर देखिए ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पा रही है, मतलब ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाई प्रोडक्शन टारगेट होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो गैप होती है मतलब इतनी रेस्ट उनको मिलनी ही चाहिए, ये भी रेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के जरिए बेसिकली बताया गया है कि आप यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर जो नाइट शिफ्ट है उसके लिए अलाउ कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ जो कंसर्न्स है दूसरे उसे भी एड्रेस करना आज देश में बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी खूबसूरत धरती हमें भारत जो है वो नज़र आ रहा है और हमें जापान के पास जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं जापान की तरफ। यहाँ पर हम आ गए हैं जापान के पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है साउथ कोरिया, यहाँ पर है जापान, यहाँ पर है सी ऑफ जापान, यहाँ पर है येलो सी। देखिए येलो सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेट मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था, तो ये स्ट्रेट है कोरिया स्ट्रेट, ठीक है। ये स्ट्रेट का नाम क्या है, ये स्ट्रेट का नाम है कोरिया स्ट्रेट। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ईस्ट चाइना सी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ऊपर आपको जो सी ऑफ ऑक्स्ट है वो देखने को मिलता है, ऊपर आपको रशिया देखने को मिलेगा। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये जो रीजन है अभी काफ़ी ये भी न्यूज़ में चल रहा है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट है जो इसराइल है वो सब जो न्यूज़ में चलते हैं, तो ये भी जो रीजन है ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।